ओम शांति। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सचिन भाई जुड़े हुए हैं। भाई जी का आज का ज्यादा समय न लेते हुए आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। ओम शांति। ओके, ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। डॉक्टर्स का लाइफ थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है क्योंकि बहुत सारी इमरजेंसीज हमारे लाइफ में आती है, प्रेशर्स होते हैं। तो ऐसी इमरजेंसी आज आई हुई है ड्रामा प्लान अनुसार। मैं शॉर्ट में आपको आज का सेशन लेने वाला हूं क्योंकि मुझे निकलना होगा, ट्रेवल करना है। पहले दो सेशन अगर आपने सुने हैं तो हमने ये देखा, थोड़ा क्विकली रिवाइज करेंगे। मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। क्या स्लाइड दिखाई दे रही है? हाँ जी। तो हमने देखा कि ये सब चक्र जो है ये एनर्जी बॉडी में होते हैं, ना कि स्थूल बॉडी में। अगर हम बॉडी का पोस्टमार्टम करें तो हमको ये चक्र दिखाई नहीं देंगे। ये चक्र एनर्जी बॉडी के अंदर होते हैं। पांच प्रकार के कोश हमने देखे। तो हीलिंग में या बीमारी ठीक करने में अलग अलग लेवल पे बीमारी ठीक की जाती है। एलोपैथी फिजिकल बॉडी को मानता है और अभी उन्होंने माइंड को भी एक्सेप्ट करना चालू किया है। हेल्थ में उन्होंने स्पिरिचुअल हेल्थ का डायमेंशन भी ऐड करना चालू किया क्योंकि बहुत सारा डेटा आ रहा है और मुझे विश्वास है आगे चलकर एलोपैथी इन बातों को पूरी तरह से एक्सेप्ट करेगा। धीरे धीरे उस दिशा में हम जा रहे हैं। तो भारत के ऋषि मुनियों ने साधना करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, उनको ये सब एनर्जी सेंटर फील हुए जो हमारे सूक्ष्म शरीर में या एनर्जी बॉडी में होते हैं। और उनको ये पता भी चला इंट्यूटिवली कि एनर्जी इन सेंटर से आती है और जाती है। और जब भी बीमारी आती थी, आप सोचो उस समय जंगल में बैठे हैं, आज के जैसा एडवांस हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, एम्बुलेंस वगैरह कुछ नहीं था, तो उनको बैठे बैठे अपनी बीमारी को ठीक करना है। तो उन्होंने शरीर को अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से बांटा है, जो कि आयुर्वेद का विज्ञान है या योग का शास्त्र है। तो बेसिकली छह भागों में हम शरीर को बांट सकते हैं। दो पैर, दो हाथ, पेट, छाती, गला और सिर। तो ये छह अंगों के साथ छह चक्र आप जोड़ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने देखी कि हमको इन चक्रों से या बॉडी कॉन्शियसनेस से परे जाना है, सोल कॉन्शियस एंड गॉड कॉन्शियसनेस तक पहुंचना है। लेकिन ये सेशन का पर्पस ये है कि हम अपनी बीमारी को दवा के साथ दुआ का भी इस्तेमाल करें या स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करके हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं या उसमें हमको राहत मिल सकती है। तो वो हम देख रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बहुत खुशी होगी क्योंकि नॉलेज इज पावर कहते हैं। जब ये ज्ञान आपके अंदर गहराई से चला जाएगा तो आपको क्विकली अपनी बीमारी को आप अपने आप ठीक करने लगेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जैसे आप बैलेंस में आते हैं। तो जो योगियों का वर्णन है कि हमेशा अतींद्रिय सुख में रहते हैं, तो वो अतींद्रिय सुख का अनुभव जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पता चलने लगेगा और आप अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बहुत अच्छी तरह से रख सकते हैं। जितना आप इसकी गहराई में जाओगे उतना आपके अंदर कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर आते जाएगा। सो वी स्टार्टेड विद जनरल चक्र, देन वी मूव्ड ऑन टू द रूट चक्र जिसमें हमने पांच बातें देखी थी, सेफ्टी, सर्वाइवल, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी। और जब ये सब है तब ऑटोमेटिकली सक्सेस हमको मिलता है। निगेटिव इमोशन इसके साथ जुड़ा हुआ फियर है और कलर वॉज रेड।
मैं मंत्रों के ऊपर नहीं जाता, आउट ऑफ द वे जाता, हालांकि वो भी एक थेरेपी है जिसको साउंड थेरेपी कहा गया है, साउंड थेरेपी। वो भी जब टाइम मिले तो हम कभी लेंगे कि कैसे साउंड का हमारे बॉडी के ऊपर असर पड़ता है। जो भी मुरली रहस्य सुनते हैं बाबा के बच्चे, उनको पता है कि जब मुरली रहस्य हम सुनाते हैं तो शुरुआत में एक लंबा ओम का ध्वनि करते हैं जो मिनिमम 30 सेकंड्स तक हम जकर जाते हैं उसके आगे, तो हम बॉडी को ट्रांसेंड कर सकते हैं, माना देह भान से परे जा सकते हैं। बहुत सुंदर अनुभव होता है। और मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगा कि ब्रह्मा कुमारी की शुरुआत ओम से हुई थी और ब्रह्मा कुमारी का पहले का नाम था ओम मंडली। तो ओम का विज्ञान भी बहुत डीप विज्ञान है, हम इसके ऊपर भी कभी टाइम मिला तो जाएंगे। आज हम देखने वाले हैं सेकंड चक्र जिसका नाम है स्वाधिष्ठान, और इसके साथ जो चक्र थेरेपी में बताते हैं कि ये प्लेजर के साथ जुड़ा हुआ है, खुशी के साथ जुड़ा हुआ है, और इसका नेगेटिव क्वालिटी है गिल्ट या आत्मग्लानी। और ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान के हिसाब से इसका जो गुण है वो प्यूरिटी। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस चक्र को जितना हम बैलेंस में रखेंगे हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, हम इसको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो समय के अभाव की वजह से मैं इसकी ज्यादा गहराई में नहीं जाकर हम आज का चक्र चालू करते हैं। ये सब लास्ट टाइम हमने देखा था रूट चक्र, इसमें चार बातें हमने देखी थी। आप इसको जितना रिवाइज करेंगे उतना आपको अच्छा अनुभव होगा। तो सिक्योरिटी, सेफ्टी, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, ये पांच बातें देखेंगे। ऐसे ही आज हम स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में देखेंगे। इसमें भी चार एफ हम देखने वाले हैं। इसका स्थान जो बताया है वो है थोड़ा ऊपर ही होता है रूट चक्र के, तो नाभि जो होता है अम्बिलिकस, और जो प्रजनन के अंग है जेनाइटल ऑर्गन्स, उनके बीच में होता है। अगर आप चार उंगली रखो नाभि के नीचे तो अराउंड 3 इंचेस बिलो अम्बिलिकस इसका लोकेशन है। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है तो क्रिएटिविटी, क्रिएशन के साथ जुड़ा हुआ है। रिप्रोडक्शन, प्लेजर, सेक्सुअलिटी, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे प्रजनन के सभी अंग इस एरिया में होते हैं। अगर आप देखो तो गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब्स, सर्विक्स, ओवरीज, और मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्रोस्टेट है, सेमिनल वेसिकल्स है, और जेनाइटल्स है, यूरिनरी ब्लैडर और किडनी, ये सब इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसका कलर है वो ऑरेंज है, और इसका मंत्र जो दिया गया है वो है वम। वम ध्यान में रखना है तो बहुत इजी है, क्योंकि वरुण देवता के यहाँ से, वरुण बारिश की देवता है, और इसका तत्व जो है जल तत्व। पहले हमने देखा पृथ्वी तत्व रूट चक्र का, इसका जल तत्व है। और अगर आप देखोगे बॉडी में तो लोकेशन जहाँ है वहां पानी होता है, क्योंकि ब्लैडर में पानी होता है, दो जगह पे हमारे पानी होता है, एक्चुअली पूरे बॉडी में ही पानी है वैसे देखा जाए तो, लेकिन विशेष जल तत्व की लोकेशन जो बताते हैं वो है ब्लैडर। तो जल तत्व के साथ जाता है, और इसका इंद्रिय जो है वो है टेस्ट। अगर ये बैलेंस होता है तो आपको खुशी रहेगी, निरंतर खुशी, क्रिएटिविटी, प्रॉस्पेरिटी। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फॉरेन में बॉडी कॉन्शियस होने के कारण हम डॉक्टर से तो हमको क्वालिटी ऑफ लाइफ माना शारीरिक सुख ही बताया जाता है। अगर शारीरिक सुख नहीं है इसका मतलब आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। ये सब सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत के वजह से हुआ है, तो हम इसे नहीं मानते, वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस। क्योंकि भारत के योगियों ने हमेशा कहा है कि देह के सुख से परे आपको जाना है, फिजिकल
फिजिकल ब्लिस जो होता है वो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ ब्लिस है, उसके ऊपर आपको जाना है। एक्चुअली उसको ब्लिस भी नहीं कह सकते, इट्स अ प्लेजर, इंद्रियों का सुख है। और हम हमेशा ब्रह्मा कुमारी में अतीन्द्रिय सुख की बात करते हैं, इसलिए ये लोग ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इवन डॉक्टर्स को भी क्वालिटी ऑफ लाइफ बताया जाता है, और हम इससे सहमत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि पवित्रता जो है वो सुख और शांति की जननी है। लेकिन इसके साथ फर्टिलिटी ये सब जुड़ा हुआ है। जब ये अनबैलेंस रहता है चक्र, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। एक तो गिल्ट फीलिंग आती है, ये बहुत कॉमन है इस समय, गिल्ट फीलिंग। हम इसका कनेक्शन डिप्रेशन के साथ जोड़ेंगे, अगर समय मिला तो मैं इसमें बताऊंगा। इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है, इनफर्टिलिटी, बच्चे ना होना, सेक्सुअल इश्यूज, एलर्जी एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स, क्योंकि ये टेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ईटिंग डिसऑर्डर्स भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी बीमारियां शरीर और मन की जो इस एरिया से संबंधित है वो यहाँ पे बताए हुए। चार शब्द मैं चाहूंगा कि आप इस चक्र के संबंध में ध्यान रखें, वो चार शब्द है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लोइंग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फन। ये चारों ही शब्द अगर आप देखो तो जल के साथ जाते हैं, कि जल हमेशा फ्लोइंग रहता है, फ्री रहता है। तो मुझे यहाँ पर अभी याद आ रही है कि ताओइज्म में एक बहुत अच्छी कहावत है, ताओइज्म आपने अगर सुना होगा, जापान का एक रिलीजन है ताओ, बहुत सुंदर है, वर्ल्ड का सबसे फेमस बुक मैनेजमेंट का, चाइनीज है, जिसको लोग रिसर्च कर रहे हैं काफी। उसका नाम है दाओ दे जंग, दाओ दे जंग इज अ प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट बुक। तो उसमें एक कपलेट आता है, दो लाइंस आता है, वॉट एवर इज फ्लोइंग एंड फ्लेक्सिबल टेंड्स टू ग्रो, वॉट एवर इज रिजिड एंड ब्लॉक विल विदर एंड डाई। जितना हम अपने जीवन में फ्लोइंग और फ्लेक्सिबल रहते हैं, उतना हम आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे। और परमात्मा के महावाक्य हम ब्रह्मा कुमारी में सुनते हैं, वो भी इसके साथ वाइब्रेट करते हैं विद सेम फ्रिक्वेंसी। हम सब जानते हैं परमात्मा ने हमको बताया कि जो रियल गोल्ड होता है वो मोल्ड होता है, उसके अंदर ये विशेषता होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा गुण है, एंड फ्रीडम, फ्रीडम या जिसको स्वतंत्रता, जिसके साथ ये चक्र जाता है, स्व अधिष्ठान, स्व में स्थित होना, स्व के अधिष्ठान में रहना, यही है स्वतंत्रता। आपको एब्सोल्यूट कंट्रोल आता है अपने ऊपर, तो और तब जब ये कंट्रोल आता है तब ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट एंजॉयिंग। जिसको भी परमात्मा ने हमको कहा कि हमारा जीवन मौज का जीवन है, मूंज का नहीं है, लेकिन इसको सिर्फ वर्ड ऑफ कॉशन में बताऊंगा, मौज का जीवन इसका मतलब ये नहीं कि जो विदेशियों ने समझाया वो समझते मौज माना इंद्रियों का सुख कोई मौज समझते हैं, जबकि हमको पता है इंद्रियां हमको बांधती है, बंधन उत्पन्न करती है। और सभी योगी इंद्रियों को जीतने के बारे में सोचते हैं। इस लाइक मैं ये कहूंगा, आजकल मोबाइल है, मजबूरी है, तो मोबाइल को यूज करना या मोबाइल में फंस जाना या हमारे हाथ में है, तो मालिक बन के इंद्रियों को यूज करना चाहिए, लेकिन उनके अधीन नहीं होना चाहिए। तो फन माना इंद्रियों का सुख नहीं है यहाँ पर, फन माना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना जो योगी करते रहते हैं। तो इसके डिटेल में हम जाएंगे अभी। इसका जो चित्र बताया है वो छह पंखुड़ी वाला है, हमने रूट चक्र चार पंखुड़ी वाला देखा, छह पंखुड़िया है और एक दूसरे के कनेक्शन में होते हैं, और अगर ये ज्वाइन किए जाए तो आपको एक चंद्रमा की तरह क्रिसेंट आता है, चंद्रमा की तरह, और इसका कनेक्शन चंद्र के साथ है। तो जैसे चंद्र की कलाएं कम ज्यादा होते रहती है, वैसे ये मूड का फ्लक्चुएशन इसके साथ जुड़ा है। अगर हम क्रिएटिव नहीं है तो इसका कलर्स जो दिखाया है वो है ऑरेंज, और बहुत सुंदर ये कलर है। अगर आप अपनी पवित्रता को बढ़ाना चाहते हैं तो ऑरेंज कलर के बारे में सोचें। जितना ऑरेंज कलर के साथ आप मेडिटेशन करेंगे उतना प्यूरिटी आपकी बढ़ने लगती है। ऑरेंज एंड येलो ये शेड्स है, आपने देखा होगा,
कि कृष्ण को पीताम्बरधारी कहते हैं, येलो कलर इज गोज विद द हैप्पीनेस, उसके पहले आता है प्यूरिटी ऑफ ऑरेंज। तो पवित्रता सुख शांति की जननी है, ये सब कनेक्टेड है। ये छह के छह चक्र हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन करंटली हम सैक्रल चक्र के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सैक्रल प्लेक्सस के साथ जाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि जिसको भी अपनी प्यूरिटी या पवित्रता को बढ़ाना है वो ऑरेंज कलर को विजुअलाइज करे। इसकी वो फ्रीक्वेंसी है और ये सेंशुअलिटी एंड क्रिएटिविटी के साथ जुड़ा हुआ है और ये हमको जीवन में खुशी देता है। जब भी ये चक्र ब्लॉक होता है तो हमारी खुशी चले जाती है। ये चक्र बैलेंस में है, अत्यधिक भी ये चक्र ओवर एक्टिव होता है तो भी प्रॉब्लम है, अंडर एक्टिव होता है तो भी प्रॉब्लम है। जब ये चक्र बैलेंस में रहता है तब सबसे पहला जो रिलेशनशिप हमारा है खुद के साथ वो बहुत अच्छा होता है। मैंने देखा कि डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, दूसरों के ऊपर की डिपेंडेंसी समाप्त हो जाती है। आप जिन्होंने भी साइंस ऑफ मेडिटेशन का मेरा सेशन सुना है तो उसमें हमने कैसे राजयोगा मेडिटेशन से डिपेंडेंसी खत्म हो जाता है। मैं देख रहा हूँ इस समय बहुत सारी डिपेंडेंसी है लोगों के अंदर, रिलेशनशिप्स में है, चीजों के ऊपर है, तो वो डिपेंडेंसी समाप्त हो जाती है क्योंकि आपका अपने साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है एंड यू फील इन हार्मनी विद द नेचर। आपके आजू बाजू में जो भी है व्यक्ति और वस्तु उनके साथ आप हार्मनी में रहना चालू कर देते हैं। यू आर सो ब्लिसफुल कि आपको कहीं से भी नाम मान शान की जरूरत नहीं पड़ती है और आप अपने आप में होने में ही खुश है। यू आर सो प्लेजरेबल एंड नर्चरिंग। सो ये इस चक्र की सुंदरता है। तो मैं फिर से कहूंगा खुशी इस चक्र के साथ जुड़ी हुई है, पर बेचारे लौकिक दुनिया वालों को दूसरी खुशी पता ही नहीं है तो वो शारीरिक सुख को ही खुशी समझते हैं। और अनफॉर्चुनेट है, मैं इस फील्ड में हूं तो हमारे पास पूरा हमारा रिसर्च यही बताता है कि कैसे शारीरिक सुखों का आनंद लिया जाए। तो ऋषि मुनियों इसके आगे चले गए हैं और मैं फिर से कहना चाहूंगा इट इज द लोएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर शारीरिक सुखों में रहना। पर जिसको दूसरा कुछ पता ही नहीं है, जो पूरे बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तो उनको दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता है। और ये हमने देखा भी है कि इम्प्यूरिटी का अगर आप डेफिनेशन मुझे पूछो अपवित्रता, तो जो दो व्यक्तियों में अपवित्रता इस समय है तो वो क्या करते हैं कि दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने सुख के लिए। ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर बोलना चाहूंगा कि पवित्रता जितनी हमारे अंदर धारण होती जाएगी उतनी हमारी खुशी कई गुना बढ़ती जाएगी और डिपेंडेंसी हमारी समाप्त हो जाएगी। इसमें वाटर एलिमेंट होता है तो वाटर की विशेषता होती है फ्लोइंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस। दिस सेंटर व्हेन बैलेंस ऑफर्स अस फ्लो फ्लेक्सिबिलिटी एंड फन। तो जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारा खुद का खुद के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे मैंने कहा इसका नेगेटिव इमोशन गिल्ट है, तो गिल्ट कब आता है, आत्मग्लानी तब आती है जब हम वो करते हैं जो नहीं करना चाहिए, वो सब करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो गिल्ट फीलिंग आती है और ऐसे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, खुशी खत्म हो जाती है। तो जब आप ये चक्र बैलेंस में रहेगा, आप अपने साथ अच्छी तरह से कनेक्टेड होंगे विद योर फीलिंग्स एंड इमोशंस और अपनी वांट्स और नीड्स एंड इमोशंस को दूसरों के साथ बहुत अच्छी तरह से शेयर करेंगे, देन यू विल सेट अ हेल्दी बाउंड्रीज आल्सो। तो आपको पता चलेगा कहाँ रुकना चाहिए, तो ये कंट्रोल हमारे अंदर आ जाता है। ये चक्र जब ब्लॉक होता है तो कौन से प्रॉब्लम आते हैं, तो लो बैक पेन, सभी रिप्रोडक्टिव इश्यूज है, माताओं बहनों के अलग इश्यूज है, भाइयों के अलग इश्यूज है, जो पीरियड के साथ जुड़े हुए हैं, बर्थ के साथ जुड़े हुए हैं, यूरिन में इन्फेक्शन होना, इम्पोर्टेंस होना, पेन ड्यूरिंग फिजिकल रिलेशनशिप्स, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लैडर एंड किडनीज, और सभी प्रॉब्लम इस एरिया के हम हील कर सकते हैं अगर हम विजुअलाइज करें इस चक्र को अच्छी तरह से। तो मेंटल साइंस हमने देखे कि कोडिपेंडेंसी, फीलिंग ओवरवेल्म बाय आवर इमोशंस, कई लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं,
ओवर इंडल्जेंस, ये मैं कह रहा हूं, ओवर एक्टिव चक्र बार बार, और ये मेरे पास बहुत केसेस आते हैं इस समय, जैसे हमको पता है कि क्या होने वाला है, ड्रामा जितना आगे बढ़ेगा उतना ये विकार, काम विकार अति में जाने वाला है, तो ये ओवर इंडल्जेंस जिसको हम कहते हैं काम विकार का एडिक्शन हो गया है, तो ये केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं और ये सब इस चक्र के ब्लॉकेजेस के वजह से होता है। और ये आत्माएं अपने इमोशन नीड्स एंड क्रिएटिविटी को अप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, तो देर इज अ एक्सप्लोजन ऑफ दिस विकार एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन दिस चक्र। तो अंडर एक्टिव जब ये चक्र रहता है तो क्या होता है कि क्रिएटिविटी नहीं रहती, स्लगिशनेस, सुस्ती रहती है। आपको ये भी जो साइन बताया है ये भी इन लोगों का है कि कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है किसी चीज में, क्योंकि पूरा सिगमंड फ्रॉयड ने लिबिडो को, लिबिडो इज सेक्सुअल एनर्जी, उसको ही सेंट्रली रखा हुआ है, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं और समझते हैं कि हम आई एम अनवर्दी, अनलव, फीलिंग ऑफ शेम एंड गिल्ट आता है, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, डिपेंडेंसी होती है, इनएबिलिटी टू बी स्पॉन्टेनियस, फियर ऑफ चेंज एंड शाइनेस। मेरे पास ये सब केसेस आते हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। ओवर एक्टिव जब होता है तो एडिक्शंस हो जाती है, सेक्सुअल एडिक्शंस, प्रोमिस्क्यूटी, अनहेल्दी अटैचमेंट टू अदर्स, एग्रेशन रहता है, सेल्फिशनेस होता है, मैनिपुलेट करना चालू करते हैं, जेलसी होती है, मूड स्विंग्स, फीलिंग रूल्ड बाय द इमोशंस एंड पुअर बाउंड्रीज, तो मर्यादा छोड़ देते हैं। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान कि परमात्मा हमको मर्यादा पुरुषोत्तम बना रहा है, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बना रहा है। तो बेसिकली ये चक्र की विशेषता है कि हमको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके क्रिएटिविटी को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो डांस, आर्ट और वॉट एवर योर प्रीफर्ड वे ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे मैंने कहा ये चक्र क्रिएटिविटी के साथ जुड़ा हुआ है, तो जितना आप क्रिएटिव रहेंगे उतना ये चक्र एक्टिवेट रहेगा। आपने देखा होगा जो राइटर डांसर्स अच्छे होते हैं या सिंगर्स होते हैं, दे रिमेन प्योर, वो पवित्र रहते, स्कल्प्टर्स, मूर्ति बनाने वाले, क्योंकि उनकी क्रिएटिव एनर्जी यूज हो रही है। आपके पास जो भी एनर्जी है या तो आप रिप्रोडक्शन में लगाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे या वेस्ट करेंगे, या उससे आप कुछ नया बनाएंगे, तो जितने भी योगी है वो नई दुनिया की स्थापना में अपनी एनर्जी को लगा ले, अपनी मूर्ति को तैयार करे। मैंने कहा रिलेशनशिप्स विद योर ओन सेल्फ, जितनी हमारी पवित्रता बढ़ते जाएगी उतना हम क्रिएटिव बनते जाएंगे और उतना हमारा डिपेंडेंसी ऑन व्यक्ति और वस्तु के ऊपर वो खत्म होता जाएगा। तो जिनको भी प्रॉब्लम है काम विकार के साथ में, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना आना चाहिए। वैसे भी चक्रा थेरेपी का बेसिक प्रिंसिपल है कि हम बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाए, हम नीचे से ऊपर की तरफ जर्नी कर रहे हैं, तो आप रूट चक्रा से, फिर आप स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, ऑल टॉप थ्री चक्रास, दे आर स्पिरिचुअल चक्र, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार्थ, तो आप बॉडी से ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है ना। तो अपनी एनर्जी को जितना आप क्रिएटिवली एक्सप्रेस करेंगे इस चक्र की बीमारी से आप बाहर आ जाएंगे। अभी इसके लिए कौन से एफर्मेशंस है, आई ट्रीट पीपल विथ रिस्पेक्ट, आई एंजॉय ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ, माई इमोशंस आर फ्री फ्लोइंग एंड बैलेंस, आई एम अ क्रिएटिव बींग, इट इज माई राइट टू रिसीव प्लेजर, I honor my body in which my soul resides. My intuitive senses are awakened. Creating and nourishing my soul brings me joy. I am lovable and desirable being. I am comfortable with my body and I treat it with care. मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा आ रहा है। कई लोग अपने शरीर से बहुत परेशान रहते हैं, स्पेशली जब उनको बीमारियां आती हैं। तो परमात्मा ने हमको बताया कि कभी भी अपने शरीर के प्रति कंप्लेंट नहीं करना चाहिए कि बलिहारी इस शरीर की, कि शरीर के द्वारा हमको परमात्मा की प्राप्ति हुई। सो आई अलो माय क्रिएटिविटी टू फ्लो थ्रू मी फ्रीली, आई रिसीव प्लेजर एंड अबंडेंस विद एनर्जी आई ब्रेथ।
लेट गो ऑफ पास्ट फीलिंग दैट नो लॉन्गर सर्व मी. आई चूज टू फील जॉय एंड एक्साइटमेंट. आई एम स्पॉन्टेनियस एंड आई अलाउ माई इंट्यूशन टू गाइड मी. आई ब्रीद इन पावरफुल गोल्डन लाइट. सो ये कुछ एफर्मेशन हम इस्तेमाल करेंगे. तो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट स्वाधिष्ठान चक्र. तो मैं आप लोगों से सचमुच में माफी चाहता हूं क्योंकि एक इमरजेंसी आने की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है. और इस चक्र के बारे में डिटेल में जानकारी अगर अगली बार हम मिल पाए नेक्स्ट फ्राइडे को तो हम देखेंगे. हालांकि टीवी के ऊपर जो सीरीज हुई उसमें इसके बारे में और डिटेल में बताया गया है. सो थैंक यू वेरी मच एंड आई एम वेरी सॉरी अगेन कि मुझे जाना पड़ रहा है. आई एम ट्रेवलिंग. सो मैं आप सबसे विदाई लेता हूँ. ओम शांति एंड थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच भाई जी आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे.